महेंद्रगढ़ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में इनेलो युवा जिला अध्यक्ष रविंद्र गागड़वास और इनसो जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने अपने आप को दुष्यंत चौटाला के साथ बताया और कहा कि जहां दुष्यंत वहां हम हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला स्वयं तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है जबकि लेटर जारी कर देते हैं और यह उन लोगों की चाल है जो दुष्यंत की बढ़ती लोकप्रियता से अपने आप को महसूस करते हैं। यह पार्टी अजय सिंह चौटाला के जरिए मजबूती के साथ खड़ी की गई है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हम सभी दुष्यंत चौटाला के साथ हैं। पार्टी सुप्रीमियों से कहते हैं कि उनको अपने फैसले को उल्टा लेना चाहिए। दुष्यंत चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला जी के निलंबन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर रोष है। यहाँ तमाम जिलों की इकाइयाँ टूट करके इस्तीफे देने लगी। आज ऐसे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने 40-40 पीढ़ियों से काम किया इंडियन नेशनल लोकदल में, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के इस फैसले के बाद, हालांकि उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की बल्कि केवल और केवल नोटिस के जरिए ये फैसला लिया गया। देखिए, 5 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पैरोल पर बाहर आ रहे हैं और ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, मैं तो ये नहीं कहता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ये बयान हो सकते हैं, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ना उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना अब की, केवल लेटर जारी किए जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कुछ लोग इंडियन नेशनल लोकदल को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को नेता साबित करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन लोगों को नकार दिया और जनता आज दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ी है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में लोग दुष्यंत को देखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अपनी लोकप्रियता खो दी वो अपने आप को नेता साबित करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे।